अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, PSY 610 लेसन नंबर 9। इससे पहले के लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये लेसन कितना हेल्पफुल साबित हुआ है आपके लिए। जीन्स एंड एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले है मेंडेलियन जेनेटिक्स और मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट। मेंडल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया कि खसूसियात किस तरह पेरेंट्स से चिल्ड्रन में शिफ्ट होती हैं। उन्होंने पी प्लांट के मुख्तलिफ पौधों के दरमियान क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, जो डोमिनेंट ट्रेड थे वो इनकी ट्रेड फर्स्ट जनरेशन में अपीयर हुए और जो रिसेसिव ट्रेड थे वो सेकेंड जनरेशन में अपीयर हुए। कंक्लूजन्स क्या थे इनके एक्सपेरिमेंट के? जब एक ही खसूसियात वाले जीन्स पेरेंट्स अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करेंगे तो खसूसियात इनमें नुमायाँ होंगी, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स मुख्तलिफ जीन्स बच्चों में शिफ्ट करेंगे तो इनमें जिनकी जिस ट्रेड जो डोमिनेंट ट्रेड होगी वो ज़ाहिर होंगी और जो रिसेसिव होंगी वो इनमें ज़ाहिर नहीं होंगी। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं MCQs के हवाले से। DNA, वाटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक हम DNA के पढ़ेंगे। DNA इज ट्रांसफर्ड थ्रू DNA, हेरिडिटी इज ट्रांसफर्ड थ्रू DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। वाटसन और क्रिक की मॉडल है। DNA में जेनेटिक इन्फो होती है जो कि बताता है कि हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारी आंखों का रंग क्या होगा वगैरह। DNA एक बारीक धागानुमा साख्त है जो कि प्रोटीन मालिक्यूल्स के गिर्द लिपटा होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स को एक्सप्लेन, क्रोमोसोम का मैं बता देता हूँ क्या है कि सेल डिवीजन को दौरान DNA सुकड़ कर क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं। जीन्स क्या है? DNA के वो पोर्शंस जो प्रोटीन को बनने में मदद देते हैं जीन्स कहलाते हैं। और एलील्स क्या हैं? यहाँ पे एलील्स हैं कि एक ही जीन के दो मुख्तलिफ वेरियंट्स जो मुख्तलिफ यानी हेटरोजाइगस और एक ही जैसे खसूसियात वाले होते हैं या मुख्तलिफ होते हैं या एक खसूसियात वाले होते हैं एलील्स कहलाते हैं। एक ही जीन्स के दो मुख्तलिफ वेरियंट्स जो हेटरोजाइगस या फिर होमोजाइगस होते हैं। हेटरोजाइगस कहते हैं मुख्तलिफ और होमोजाइगस कहते हैं सेम खसूसियात वाले, इनको हम एलील्स कहते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं हैं, हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड वर्सेस इन ब्रीडिंग से देखते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी में जीन पूल में इजाफा होता है, यानी कि जीन्स मिलती हैं। अगर हम अपनी फैमिली से बाहर शादी करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की वाइडर रेंज में जीन्स जो हैं अवेलेबल होती हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हेल्दी जीन्स बच्चों में शिफ्ट हों। इन ब्रीडिंग में अपने ख़ानदान में शादी के नतीजे में वही लिमिटेड जीन्स जो पहले मौजूद थी बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, जिसकी वजह से अनहेल्दी जीन्स के ट्रांसफ़र होने से के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सेक्स क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं। नंबर वन पे ज़्यादातर जीन्स एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक होती हैं जबकि वाई के साथ बहुत कम जीन्स होती हैं। सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम को सेक्स लिंक्ड जीन्स को हम एक्स लिंक्ड भी कहते हैं। फॉलोइंग ट्रेड्स आर सेक्स लिंक्ड, कौन कौन से ट्रेड हैं? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और उसके बाद आ गया जी हंटिंगस्टन कोरिया टर्नर सिंड्रोम, ये सारे जो हैं वो एक्स लिंक्ड जो हैं वो डिजीज़ हैं, सॉरी ट्रेड्स हैं ये सारे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेड के? नंबर वन, मेल में ज़ाहिर होने के चांसेस इनमें ज़्यादा होते हैं और ये मेल पेरेंट से मेल चाइल्ड में शिफ्ट नहीं होते, ज़्यादातर मेल से फीमेल में शिफ्ट होते हैं या फीमेल से ज़्यादा मेल में ये शिफ्ट होते हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड, इसमें ट्रेड्स में माँ बाप और दोनों से इक्वल लेवल पर बच्चे पे ट्रांसफ़र होते हैं ये ट्रेड जो हैं, लेकिन जीन एक सेक्स में डोमिनेंट और दूसरे में रिसेसिव रहती है। जब माँ और बाप दोनों की तरफ से जो रिसेसिव ट्रेड्स वाली जीन्स शिफ्ट हो तो वो बच्चे में डोमिनेंट हो जाती है। रिसेसिव ट्रेड जो होते हैं वो ज़ाहिर मौजूद होते हैं लेकिन ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन जो डोमिनेंट ट्रेड होते हैं वो
ज़ाहिर होते हैं। मसलन बाप के अंदर बाप के बाल जो हैं ब्लैक हैं और माँ के जो हैं वो ब्राउन है, तो क्या होगा कि अगर माँ बाप का ट्रेड जो डोमिनेट और माँ का रिसेसिव है तो बच्चे के बालों का कलर ब्राउन नहीं बल्कि ब्लैक होगा। आगे सेक्स लिमिटेड, कुछ जीन्स जो हैं वो सिर्फ मखसूस सेक्स में नुमाया होती हैं, मसलन बच्चे की प्रोडक्शन जो है सिर्फ फैमिलीज में होती है, इसी तरह दाढ़ी जो है सिर्फ मेल्स में आती है, इनको हम सेक्स लिमिटेड कहते हैं, जो कि एक मखसूस सेक्स के साथ खसूसियात रहती हैं, दूसरी सेक्स के अंदर मुंतकिल नहीं होती। लेसन व्यूज़ हमारा हो गया कंप्लीट, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।